हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे स्टाइल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ लॉन के ड्रेस डिज़ाइंस। इन लॉन के ड्रेस डिज़ाइंस में आप लोगों को लॉन्ग शर्ट भी नज़र आएंगी, शॉर्ट शर्ट भी नज़र आएंगी, काफ्तान भी नज़र आएगी, ओपन शर्ट स्टाइल भी नज़र आएंगी। इस तरह के 100 प्लस जो हैं वो यूनिक और डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो लॉन के ड्रेस डिज़ाइंस में तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में 100 प्लस डिज़ाइंस नज़र आने वाले हैं। तो जैसा कि लॉन का सीज़न है, मोस्टली ख़वातीन जो है वो प्रेफर करती हैं कि लॉन के ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो है वो डिफरेंट कर ली जाए। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी स्लीव्स के डिज़ाइन, नेक के डिज़ाइन, दामन के डिज़ाइन, ट्राउज़र्स के डिज़ाइन और भी काफ़ी सारे वीडियोस और उनके डिज़ाइन जो है मैंने शेयर किए हैं। शॉर्ट फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, ये सब मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस देखी है तो आप लोगों को ड्रेस डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई मसला नहीं, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग फ़ौरन जाएँ, वो वीडियोज़ भी देखें ताकि आप लोगों को डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनसे भी आप लोग देख सकें, उनका भी आप लोगों को पता चल जाए। ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप सिंपल सा एक शर्ट लेते हो और उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हो तो वो शर्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट लगती है और क्लासी लगती है। लेकिन अगर आप लोग बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस लेते हो, उसकी डिज़ाइनिंग नहीं करते, उसको अच्छे तरीके से स्टिच नहीं करते या करवाते हो, तो वो ये है कि सारी जो ड्रेस की क्लास है वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगता। तो डिज़ाइनिंग आपने हमेशा देख के सोच के करनी है। कलर कंट्रास्ट, कलर कॉम्बिनेशन, ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है। समर में ये मोस्टली ये होता है कि मोस्टली ख्वातीन जो हैं वो फ्रेश कलर्स लेती हैं, फ्रेश कलर पहनना पसंद करती है, ब्राइट कलर्स, ब्राइट येलो, ऑरेंज, इस टाइप के कलर्स। तो आजकल जो है वो शॉर्ट फ्रॉक भी चल रहे हैं, लॉन्ग फ्रॉक भी चल रहे हैं, दोनों जो हैं वो ट्रेंड में हैं। जिसको जैसा डिज़ाइन जो है वो पसंद है वो उस टाइप का पहन रहे हैं। ख्वातीन शॉर्ट भी पहन रही हैं, लॉन्ग भी पहन रही हैं। आप अपने बॉडी फिगर को देख के ड्रेस की डिज़ाइनिंग करें, ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मोस्टली ख्वातीन जो हैं वो बस जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको देखती हैं और अपना फिगर नहीं देखती। तो बस आपने जो भी पहनना है वो आपने कॉन्फिडेंस से पहनना है, चाहे वो आप शॉर्ट पहन रहे हैं या आप लॉन्ग पहन रहे हैं, बस कॉन्फिडेंस रखना है आपने। तो वो चीज़ जो पहनी हुई है आपने वो बहुत अच्छी लगेगी आपने। इसके अलावा आजकल जो है वो मेटल, स्टड्स, लेस, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में। आप लोग अपना ड्रेस सेलेक्ट करें, उसके बाद आप लोग मार्केट में जाके इस टाइप के जो स्टड्स हैं, एम्ब्रॉयडरी हैं, एम्बेलिशमेंट्स हैं, बने बनाई जो हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इन है, तो आप लोग उस टाइप की चीज़ जो है वो भी ले सकते हैं और उसको नेक पे या स्लीव्स पे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि वो खूबसूरत लगे। कलर कंट्रास्ट आपने बहुत माइंड में रखना है। जिस तरह अगर ड्रेस के अंदर गोल्डन शेड है तो आप लोग प्रेफर करें कि जो आपके मेटल्स हैं या आपका कुछ है तो वो भी गोल्डन शेड में ही हो। इसके अलावा टसल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन हैं। लोग जो हैं वो टसल्स स्लीव्स पे भी लगा रहे हैं, दुपट्टों पे भी लगा रहे हैं, दामन पे भी लगा रहे हैं, और शर्ट के अंदर भी अगर कहीं पे डिज़ाइन है या प्रिंट है उसके नीचे भी आप देखोगे कि वहाँ पे भी टसल्स जो हैं वो यूज़ की हुई हैं। और टसल्स के आजकल जो हैं वो इयररिंग्स भी आए हुए हैं, तो अगर मिक्स एंड मैच करके आप लोग कर सकते हैं। जूतों पे भी आजकल टसल्स लग रहे हैं, तो टसल्स जो हैं वो इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में। तो अगर आपने अब तक टसल्स नहीं यूज़ किए तो आप लोग ज़रूर यूज़ करो। कोई ड्रेस आप लोग अपना ज़रूर टसल्स के साथ डिज़ाइन करवाओ, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा आजकल जो है वो मार्केट में गोटा जो है वो बहुत ज़्यादा इन है। गोटा किनारी मतलब शर्ट्स पे, ट्राउज़र्स पे, शरारा घरारा, इन सब पे जो है वो गोटा जो है वो लगाया हुआ होता है। गोटा किनारी जो है वो भी मतलब यूज़ की हुई होती है। तो आप लोग अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो है वो उस टाइप की भी कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोगों ने उसमें डिज़ाइन जो है वो काफ़ी सारे देखे होंगे गोटा किनारी के, तो उससे भी आप लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं अपने ड्रेस की। तो नेक्स्ट चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि लॉन के ड्रेस की डिज़ाइनिंग के टाइम आप लोगों ने तीनों नेक को, स्लीव्स को और दामन को, तीनों चीज़ों को आपने हैवी नहीं रखना है। आप लोगों ने एक चीज़ को हैवी रखना है और बाकी दो चीज़ें जो है वो आपने लाइट डिज़ाइन करनी है। अगर आप लोग नेक की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा हैवी कर लोगे, स्लीव्स को भी बहुत ज़्यादा हैवी कर लोगे, दामन के डिज़ाइन है उसको भी बहुत ज़्यादा हैवी कर लोगे, तो शर्ट जो है वो लटक जाएगी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आपका डिज़ाइन जो है वो अजीब सा लगेगा, पहना हुआ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शर्ट जो है वो बहुत पतला होता है लॉन का कपड़ा, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है ड्रेस की डिज़ाइनिंग के टाइम।
इसके अलावा आप लोग लॉन के ड्रेस के ऊपर शीशे का काम भी कर सकते हो, बिल्कुल छोटा सा लाइट सा बारीक सा करना है आपने शीशा जो है वो छोटा सा आप लोगों ने मार्केट से परचेज़ कर लेना है। इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स जो हैं वो मार्केट में आई हुई हैं, तो आप लोग अपने ड्रेस के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग शीशा परचेज़ करें। इसके डिज़ाइन भी मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किए हुए हैं, उससे भी आप लोग इंस्पिरेशन ले सकते हो, कोई भी डिज़ाइन आप उसमें से पसंद करके उस टाइप का डिज़ाइन जो है वो अपने लिए बनवा सकते हो। लेकिन वहाँ पे भी आपने ये बात माइंड में रखनी है कि बहुत ज़्यादा हैवी काम ना हो, शीशा जो है वो बहुत लाइट सा रखना है आपने, बहुत ही बारीक सा। अगर आप लोग हैवी कर लोगे तो शर्ट जो है वो उसके लटकने के चांसेस होंगे, क्योंकि लॉन जो कपड़ा होता है, लॉन का कपड़ा बहुत ज़्यादा बारीक होता है, उसके लटकने के चांसेस होते हैं और हो सकता है लॉन का कपड़ा जो है वो फट भी जाए, क्योंकि शीशा जो है वो काफ़ी हैवी होता है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, शीशा जो है वो बहुत लाइट सा लेना है आपने डिज़ाइनिंग के दौरान। डिज़ाइंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आप लोग वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आप लोगों को फ़ौरन से पता चल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, मेरी नेक्स्ट वीडियो भी जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग और फैशन से रिलेटेड होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।